हेलो, हाँ सर, ये कौन? मधुसूदन मिसल लाइन में हूँ सर। मधुसूदन मिश्रा मिश्रा जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर, उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर। खुद जी मिश्रा जी, बताइए किसके बारे में जानना चाहते हैं, के बारे में सर, बताइए सर। डेट ऑफ बर्थ है सर 21 मार्च, 31st 21 मार्च, 21 मार्च 31st मार्च। हाँ 1982 सर, समय बताएं। 9:32, 9:32 एम पीएम PM सर, सर कहाँ का जन्म है? बिंका उड़ीसा, BINKA बिंका। बिनका। बी फॉर बॉम्बे है कि बी फॉर विक्ट्री? बॉम्बे बॉम्बे सर, बी फॉर बॉम्बे BINIKA है ना? सर। मिश्रा जी, आपकी कुंडली को बताते हैं। आपकी कुंडली बताती है आप जहां पर रहते हैं। हेलो, हाँ सर, सुन रहा हूँ सर। आप जहां पर रहते हैं आपके घर के आसपास से किसी दूसरे मोहल्ले की, दूसरी कॉलोनी की, दूसरे वार्ड की सीमा शुरू होती होगी। क्या ये सही है या गलत है, बताइए। हो रहा है सर। सही बात है। आपकी कुंडली बताती है आपके घर के सामने तरफ, ऐसा उल्टे हाथ तरफ एक सैलून होना चाहिए। सैलून जिसमें दाढ़ी बाल बनाए जाते हैं, कुछ ऐसी दुकान है क्या? राइट 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 साइड सर। अब राइट और रॉन्ग ये तो आप बताएंगे कि हम जो कह रहे नहीं हैं। नहीं 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 सर, लेफ्ट की राइट। एक अभी एक बंदे ने अपना दुकान खोल के रखा है, बंद हाँ, तो दरवाजे के आसपास दुकान खुली है ना? पड़ा है, खुला था लेकिन उसको बंद करके खोला है सर, अरे पड़ा हुआ सर, है उसका। नाई की दुकान सैलून है, अब बंद पड़ी है या चालू है वो तो ठीक है, दुकान है ना? है सर, है। ठीक है। हाँ सर, कुंडली ये बताती है कि आप बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक व्यक्ति हैं। सही है कि गलत है? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। ठीक है। कुंडली ये बताती है आपको जब गुस्सा आती है तो कंट्रोल से बाहर, बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। सही बात राइट राइट सर। है। कभी आपने किसी से दोस्ती की, प्रेम किया, जो भी किया, तो ये दोस्ती आपकी ज्यादा दिन चल नहीं पाती, आपके ग्रहों जैसे आप बताते हैं। सही है। राइट सर, संतान आपकी कितनी है? एक है सर। पहली संतान गड़बड़ हुई थी क्या आपकी? नहीं सर, नहीं, ये कोई फर्स्ट ही। पहली कोई भ्रूण गड़बड़ हो गया हो, कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है छोटा मोटा? नहीं सर, उसके बाद हुआ था सर, नहीं, वो तो ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है सर। कोई बात नहीं। अच्छा, ये एक बड़े रहस्य की बात, आप नहीं करना चाहते हम जानते हैं, परंतु ऐसा हो जाता है। ये रहस्य आप ही खोल सकते हैं और ज्योतिष के माध्यम से हम खोल रहे हैं। आप बताइए सही है कि गलत। सर कुंडली ये बताती है कि जब भी आप बिल्कुल आटे में नमक बराबर कमाने की कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि बिल्कुल भी कोई लपड़ा झपड़ा नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट काम करना है, तो आपकी इनकम, आपका मुनाफा अचानक गिर जाता है। लेकिन राइट लेकिन अगर किसी को बिल्कुल हवा महल दिखाना, कागज के महल दिखाना, कागज के कबूतर उड़ाना, कुछ भी बोलना और प्रयास करना, तो आपको बड़ा तगड़ा मुनाफा होता है। क्या ऐसा अनुभव आता है जीवन में? आप करते नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा नहीं हूं। नहीं 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 सर, नहीं सर, ऐसा होता है? नहीं होता। नहीं होता। सर चलिए ठीक मैं है। आप कुछ हैं कुछ बता दूं क्या सर? कुछ अपने बारे में बता दूं सर? जी, क्या करते हैं आप, क्या काम करते सर मैं LIC से जुड़ा हुआ हूँ, 16 साल हो गया है। हैं? LIC मैं में बहुत जुड़े हैं? बहुत बहुत ऑनेस्ट हूँ सर अरे, आप अपने LIC प्रोफेशन में में। जुड़े, बात ही समाप्त हो गई। कोई बात नहीं। देखिए, हमने ये नहीं कहा कि गुड़ दिखाकर ईंटा मारना, कि मुंह में राम बगल में ईंटा, मिल जाए राम मार दें ईंटा, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन सच बात यह है कि अपने को कागज के कबूतर दिखाना या कुछ भी समझाना, और समझाने के बाद उससे पैसा अर्न करना, तो आपका LIC का काम है। आप तो बताते ही हैं,
समझाते ही होंगे, जाहिर सी बात है, प्लान समझाते होंगे। बिल्कुल सर। और अच्छे बड़े बड़े प्लान आप जब समझाते होंगे तो उसमें आपको मुनाफा होता ही होगा, जाहिर सी बात है, कुंडली बता रहे हैं। जी जी होता है ना, होता है सर। तो ठीक है, मतलब हमारा कैलकुलेशन, हमारी ज्योतिष और आपकी कुंडली दोनों सही है, हमें ऐसा लगता है। आपको कैसा लग रहा, क्या कहते हैं? नहीं सही है, मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया जो बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पाया तो इसलिए मना करते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए देखिए, एक पॉलिसी जब कोई भी कंपनी का जो जो एजेंट होता है या जो सेल्समैन होता है या जो भी अधिकारी होता है, तो वो जब पॉलिसी के बारे में बताता है तो वो बताता भी है जिंदगी आज भी और जिंदगी के बाद भी, ठीक है ना? बिल्कुल सर। LIC वाले हैं तो आप तो ऐसा समझाते ही हैं कि मतलब सामने वाला उसी दिन मान लेता है कि अब हम लुढ़क ही चुके हैं, अब हम बचे नहीं हैं। इतना बढ़िया समझा LIC वाले, इतना बढ़िया समझाते कि आदमी समझ लेता कि अब कुछ है ही नहीं दुनिया में, कुछ बचा नहीं है। हम है ना, सही बात? सही बात है। आपको भी हंसी आ रही है, आप हंसिए, खुल के हंसिए, लाइव है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा मतलब LIC वाले तरीके से समझाते कि अगर ऐसा हो गया, आपको इस साल में ऐसा हो गया, इस समय अगर आपकी डेथ हो गई, मतलब वो सब कुछ दिखा देते हैं जो वास्तव में तत्काल में नहीं होता, सबके साथ नहीं होता। ये तो आप भी जानते हैं, LIC का ये सिस्टम ही है, किसी भी कंपनी का ये सिस्टम है कि भाई रेयर किसी के साथ कोई घटना होती है, बाकी तो अपनी जिंदगी कैसे जैसे तैसे आदमी सर्वाइव कर ही लेता, और कहीं रिस्क हुआ तो वहां पैसा दे दिया, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन वो होता तो एक प्रकार का उसे अपनी परिकल्पना या स्वप्न ही कह सकते बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी भी प्रकार के कागज के कबूतर, तो LIC अब कागज के कबूतर ही तो हैं, कागज के ऊपर ही पूरी प्लानिंग समझाई जाती है, और उसके बाद आपको पैसा मिलता है, आपको कमीशन मिलता है, आपकी कंपनी में पैसा जमा होता है, वो हमने कहा था, सही बात है ना? सही बात। चलिए ठीक है, क्या जानना चाहते ये बताइए। मेरे एक्चुअली दो प्रश्न था सर, कि मैं अपने प्रोफेशन में बहुत ऑनेस्ट हूँ, बहुत, लेकिन मेरा इतना ग्रोथ नहीं हो पाता है। देखता हूँ मेरे सामने जो लोग झूठ बोल के बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन मैं आज तक इस तरह का कोई मेरा अभ्यास नहीं रहा, और मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। चलिए, अब इसमें हमें कुछ समझ में तो नहीं आ रही बात, पर आप कह रहे हैं तो हम इस बात को मान लेते हैं। चलिए इसका भी समाधान निकालते हैं। और क्या सवाल है आपका? दूसरा सवाल अपने वाइफ की हेल्थ के रिगार्डिंग। जो देखिए, आपकी पत्नी को एक तो अर्थराइटिस जैसी समस्या हो सकती है जी, हड्डियों की और नसों से संबंधित, नसें चोक होना, नसें जाम होना, हाथ पैर में जकड़न होना, या जैसे अर्थराइटिस वगैरह हड्डियों की समस्या होती है, ऐसी कोई तकलीफ उनको, पेट से संबंधित कोई समस्या है क्या? अरे नहीं, साइक्रेटिक का प्रॉब्लम तो है सर। है? अच्छा, साइक्रेटिक। उसमें थोड़ा इसीलिए मेरा माइंड भी डाइवर्ट रहता है, मैं इसीलिए मेरा ज्यादा टाइम इसमें डाइवर्ट रहता है। देखिए कुंडली ये बताती है जी, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा सही है कि गलत। बिल्कुल सर। कुंडली ये बताती कि या तो आपने मकान बनाया है, या मकान में ऊपर आपने टंकी रखी है, दो बातें, या तो आपने अपने घर में जैसे वो जो झूमर वगैरह होता ना, झूमर, हाँ हाँ हाँ, झूमर में ऐसे जैसे कुल्हड़ सुराही की डिजाइन की कुछ आकृतियां, ऐसी कुछ चीज, कुछ वो पात्र टांग कर रखे हैं, उसके बाद से आपकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है। क्या इन तीन बातों में से कोई बात में सच्चाई है या नहीं है, ये तो आप बताएंगे। पानी टंकी जो है रूफटॉप में है, और जो झूमर वाला बोले सो डिजाइन के लिए रखा हुआ है प्लास्टिक का, और ऊंचाई पर रखा है अंदर जाकर उल्टे हाथ तरफ। जी जी, सही बात है, सही बात। तो आपने क्या मकान भी बनाया है? नहीं सर। ठीक है,
तो आपने पानी की टंकियां कब रखी थी? बहुत साल हो गया सर, स्टार्टिंग से मतलब 20 साल हो गया है। पहले टंकी में था, अभी उसके बाद भी वही सेम टंकी है सर। हाँ हाँ ठीक है। क्या इसे ऐसा मान सकते हैं कि अगस्त 2003 से 17 मार्च 2006 के बीच ये टंकियां रखी गई थी? हो सकता है सर। 2006 पिताजी का देहांत हुआ, 2005 2003 से 2006 के बीच ऐसा हुआ था क्या, टंकी रखी गई थी क्या? नहीं सर, एक्चुअली पहले जो था सीमेंट वाला टंकी था, उसके बाद जो है प्लास्टिक वाला टंकी, उसके बाद 2005-06 के बाद लगाया गया है। हाँ तो 2006 में ही बोल रहे हैं हम, 17 मार्च 2006 के आसपास लगी थी क्या टंकी? जी सही बात है। और इसी के बाद आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हुआ? नहीं, धर्मपत्नी का तो अभी सर मेरा शादी 4-6 साल हुआ है। तो ये पानी की टंकियां लगने के बाद आपका कर्ज बढ़ना, मुश्किलें बढ़ना, परेशानी बढ़ना, खर्च बढ़ना, ये शुरू हुआ। और दूसरा ये कि जब ये पानी की टंकियां जो रखी गई हैं, तो क्या कोई जो आपने झूमर जो स्वीकार किया, ये रखने के बाद आपकी पत्नी की तबीयत बिगड़ी है क्या? पहले से लगा हुआ था, उसके बाद मेरा शादी हुआ है सर। नहीं नहीं, सवाल ये नहीं है, वो लगा तो पहले से था, पर उसके बाद पत्नी आ गई। कुल मिला के आपके घर में अंदर जाकर उल्टे हाथ तरफ ऊंचाई पर कोई भी होलो पात्र, खाली पात्र, कोई भी कलश नुमा कोई भी पात्र नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो आपकी पत्नी बीमार रहेगी। जी तो हमने कहा भी है कि पत्नी को नर्वस सिस्टम, नसों से संबंधित कुछ समस्या रहेगी, तो या तो नसों में संकुचन हो रहा है या नसों में प्रॉपर कोई सप्लाई नहीं हो रही, उसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो क्या आपकी धर्म पत्नी को भूलने की समस्या हो रही है क्या? है सर। हाँ तो इसे डिमेंशिया कहते हैं, ब्रेन पीछे से सिंक होने लगता है, नसें सिकुड़ने लगती हैं। तो ऐसी कोई शिकायत डॉक्टर ने बताई थी क्या? सर ये तो ट्रीटमेंट भी चल रहा है सर लॉन्ग टाइम से। सही बात है ना जी। तो ये जो उल्टे उल्टे हाथ तरफ जो आपका जो पात्र लगा है ना, जो कलशनुमा जो लगा है पात्र, क्या रखा है आपने, कोई फ्लावर पॉट वगैरह क्या रखा है, उसको हटा दीजिए। बिल्कुल सर। तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा। ठीक है सर। चलिए और कोई सवाल आपका? बिजनेस के बारे में थोड़ा क्वेरी था। अच्छा, बिजनेस के बारे में। आप जिस दिन चांदी के गिलास में पानी पीने लगेंगे, एक चंद्रमणि पहन लेंगे और एक गोमेद पहन लेंगे, आप अचानक क्लिक करेंगे, आप पाएंगे कि अचानक आपके व्यापार को पंख लग गए और आप उन्नति कर गए। एक गोमेद, एक चंद्रमणि, ये विधिवत अभिमंत्रित दो रत्न पहनने हैं और चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें तो आप सुखी हो जाएंगे। ठीक है जी सर। चलिए, आप संतुष्ट हैं हमारे इस कार्यक्रम से पूरी तरह? बिल्कुल है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसे शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। ठीक है जी सर। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।